हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप ही के चैनल कृष्णा ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए निफ्टी फ्यूचर के साथ मिक्स ऑप्शन कैसे बाय करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फ्यूचर को ऑप्शन के साथ हेज करके और इसको लॉस फ्री भी करके बताऊंगा। एक तरह से ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है और इसको आप चाहें तो जीरो लॉस भी बना सकते हैं। अगर मार्केट आपके ट्रेंड में नहीं गया तो इसको कैसे आप जीरो लॉस बनाएंगे, अपना प्रॉफिट में ट्रेड को कैसे लाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको करना कब है स्ट्रेटजी को, इसके बारे में बता देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पे कि मैं अपना डेली पर्सनल ट्रेड और अपना व्यू जो होता है उसको पोस्ट करते रहता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी कुछ सीख सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है केवल और सारी वीडियो लर्निंग पर्पज से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी को आपको हमेशा मंथली में करना है। मंथली में आपको करंट का 1 लाट फ्यूचर मंथ के स्टार्टिंग में अराउंड फर्स्ट में ही करना है। जैसे अगर जनवरी की एक्सपायरी आज 25 जनवरी को एक्सपायरी है तो फिर 26 को नेक्स्ट मंथ का आपको फ्यूचर करंट फ्यूचर बाय करना है। और इसके बाद आपको 1 लॉट पुट बाय करना है, लगभग 700 पॉइंट दूर फ्यूचर प्राइस से। और इसको इस अभी तक तो इस इतना ये एक तरह का डायरेक्शनल है कि आपका मार्केट अप में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहा तो फिर आपके अगेंस्ट हो गया तो उस कंडीशन में इसमें क्या करेंगे, इसके बारे में आपको एडजस्टमेंट करके बीच में दिखाऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले स्टॉक मोक पे चलते हैं और इसको बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डायरेक्शनल मार्केट में कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट दे सकता है सिंगल कोई ऑप्शन खरीदने से। अच्छा है कि फ्यूचर के साथ हेज करिए, बहुत बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा। वैसे देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ डायरेक्शनल रहे हैं, बहुत अच्छा मार्केट उसमें अप ट्रेंड में रहा है। तो मैं सबसे पहले तो आपको 2 मंथ का इसमें बैक टेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद जनवरी का आपको उसमें एडजस्टमेंट भी करके दिखाऊंगा कि मार्केट जनवरी में मार्केट ठीक ठाक उतना नहीं रहा है, डाउन ट्रेंड भी बहुत आया था उसमें। तो हम लोग यहां से नवंबर, 1 नवंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आपका मॉर्निंग का वही 9:30 के अराउंड टाइम ले लीजिए। और यहां पे आपको देखिए, मैंने फ्यूचर पहले से सेलेक्ट कर रखा है, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन यहां पे फ्यूचर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए फ्यूचर का प्राइस, सॉरी थोड़ा सा खराश है, फ्यूचर का प्राइस जो है 19,144 रुपये है करेंट प्राइस आपका। तो यहाँ पे अगर आप कोई फ्यूचर को बाय करेंगे या सेल करेंगे तो कितना बड़ा अमाउंट आपका लग, बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है। देखिए अराउंड मैंने एक फ्यूचर 1 नवंबर को मैंने 9:30 पे एक फ्यूचर को बाय कर लिया, ठीक है। फ्यूचर बाय करने में अराउंड 1,13,000 रुपये आपको दिखा रहा है। तो एक तरह से सीधी बात है, नीचे गया तो अनलिमिटेड लॉस और ऊपर गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको होगा। इसमें आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन लगभग लग रहा है 1,30,000 रुपये के लगभग लग रहा है। तो इसके साथ हम लोग एक ऑप्शन को बाय करेंगे, कैसे इसका अमाउंट मिनिमाइज हो जाएगा और कम में
फ्यूचर को बाय और सेल कर सकते हैं कम अमाउंट में। तो यहां से हमको 700 पॉइंट दूर का पुट बाय करना है। चलते हैं 700 पॉइंट दूर, अगर नहीं मिलेगा तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। इसको करना है 30 नवंबर। अभी देखिए हमारी स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार से बन गई है, और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो 1300 रुपये के अराउंड है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड है। कुछ लोगों का पहले भी मैंने फ्यूचर पे एक वीडियो डाली हुई थी, तो उसमें कई लोगों का कमेंट आया था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। इतना बड़ा उन्होंने 1000 पॉइंट का बता दिया कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा हमको 1 रुपये प्रॉफिट होने वाला नहीं है। उनको मैं बता दूं कि ये जो ब्लू लाइन है, जैसे कि ऊपर का इसका कर्व घुमा हुआ है, जैसे भी मार्केट यहाँ तक भी आएगा तो आपको देख रहे हैं कितना प्रॉफिट हो सकता है तब तक। ये तो ग्रीन का तो छोड़ दीजिए, ग्रीन में तो बहुत ज़्यादा अमाउंट तब तक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहीं से मार्केट थोड़ा सा भी चलता रहेगा ना तो आपको प्रॉफिट ऑलरेडी बनता रहेगा। ये जो कर्व घुमा है ब्लू लाइन का, इससे प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधे डायरेक्शनल, देखिए आपका जो एस्टिमेटेड मार्जिन यहाँ पे लग रहा है मात्र 57 में आप फ्यूचर को बाय कर लिए। आपका व्यू है कि नहीं हमारा मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। मार्केट अगर पूरे मंथ में डायरेक्शनल रहा तो। चलिए मैं आपको इसको फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। मैं सीधे इसको 2-2 घंटे प्ले करता हूँ। देखिए यहाँ पे लॉस में अराउंड 3000, अभी भी 433 का लॉस चल रहा है। प्रॉफिट लॉस दिखाना नहीं है, केवल आपको कैसे ट्रेड करना है, कौन से डायरेक्शन में कैसे करना है। इसी स्ट्रेटजी को आप फ्यूचर सेल कर सकते हैं और उसकी कॉल पुट की जगह कॉल को ले सकते हैं। तो वहां पे भी देखिए अभी प्रॉफिट चल रहा है लगभग 1.5% के लगभग। देखिए डायरेक्शनल हो जाएगी तो आपको 20% प्लस भी प्रॉफिट आपको मिलेगा इसमें, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो। अगर आपके अगेंस्ट नहीं गया तो बहुत बड़ा लॉस तो नहीं हो रहा है कि आप जिसको बियर नहीं कर सकते। बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ जब तक क्रॉस नहीं करेगा प्रॉफिट ही नहीं होगा है। वो लोग देख सकते हैं कि अभी मार्केट हमारा यही है और हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी 2% के लगभग यहाँ पे हो रहा है। ये जो लॉस है इधर आएगा तो ज्यादा दिखाएगा, लेकिन ये जो लॉस है आपको क्लोजिंग के दिन इससे ज्यादा 1 रुपये भी नहीं होगा। इसको मैं ऑटो प्ले कर देता हूँ सीधे 2 घंटे का, आप देखते रहिए। यहाँ पे 1.3% माइनस में चल रहा है अभी। अभी भी ट्रेड प्लस में ही चल रहा है। दिसंबर बहुत बढ़िया, देखिए 5% को ऊपर दिसंबर में, 10% अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 17%, 20%। देखिए मार्केट डायरेक्शनल है तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा आपको। अभी भी 15% के लगभग प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी देखिए 15% के लगभग प्रॉफिट चल रहा है आपका। मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा तो उसको भी मैं करके आपको दिखाऊंगा एडजस्ट, अभी कि उस कंडीशन में आपको डर लगता है कि नहीं मार्केट पता नहीं कितना लॉस दे देगा, तो उसको कैसे हम लोग उस स्ट्रेटजी को बनाएंगे।
मुझे नहीं लगता कि 5% प्रॉफिट किसी का खराब होगा अपने मार्जिन के ऊपर। और फ्यूचर के साथ हेजिंग तो बहुत बढ़िया है, आपको डायरेक्शनल हो गया तो बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है इसमें, बस आपको प्रॉफिट लेने आना चाहिए। देखिए 32% का प्रॉफिट अभी दे रहा है दिसंबर में, फ्यूचर के साथ हेजिंग में देखिए 32%, 36% के लगभग। देखिए 42%, 22 हो गया, फिर से 27 हो गया, और देखिए हमारा ये मार्केट क्लोजिंग है, मार्केट क्लोजिंग तक लगभग आपका 30-32%, इसने 34%, अरे मार्केट क्लोज तक देखिए अराउंड 36% प्रॉफिट मिला था, जो कि कोई इतना ले नहीं पाता क्योंकि लॉस तो सब लोग वेट कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं ले पाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये प्रॉफिट नहीं दिखाना है कि आप कैसे फ्यूचर को हेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट आपके अगेंस्ट भी चला जाता, अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं भी करने आता, तो आपको 1300 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये भी लॉस नहीं होता एंड ऑफ एक्सपायरी के दिन। तो मार्केट ये नवंबर में हमने दिखा दिया, सॉरी नवंबर का था, अभी दिसंबर में भी मैं आपको 1 महीना दिखा देता हूँ, फिर जनवरी में मार्केट थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, उसमें मैं आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। तो दिसंबर चलिए 30 नवंबर, और यहाँ से दिसंबर ले लेते हैं, 1 तारीख से दिसंबर, टाइमिंग वही 9:30 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9:30 बजे का टाइमिंग। ध्यान रखिएगा फ्यूचर आपका 20,357 के लगभग है, हम लोग फ्यूचर एक ऐड कर लेंगे, बाइंग हो जाएगा, और 28 दिसंबर की एक्सपायरी 700 पॉइंट दूर का हमको बाय करना है। चलिए यहाँ पे हमको चाहिए, फ्यूचर हमारा 20,300 का है, यहाँ से 700 पॉइंट तो हमारा हो जाएगा 21,050। चलिए उसका नहीं मिल रहा तो 21,000 का लगभग ले लिया मैंने। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस 1,100 रुपये का। देखिए यहाँ पे लोग ना प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। मार्केट 1 महीने में कितना बड़ा बड़ा मूव दे देती है, लोग बोलते हैं निफ्टी 500 का मूव देगी, 800 का मूव देगी, जैसा कि आप लोग देखे हैं निफ्टी मंथ में लगभग दे ही दे देती है। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट का भूल जाइए, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन इतना लग रहा है, इसको भी मैं जल्दी से आपको ऑटो रन कर देता हूँ, और आप इसको भी देख लीजिए कि डायरेक्शनल में कितना बढ़िया आपको इसमें देखिए 6-7% का लगभग चल रहा है, 7% प्रॉफिट अभी भी, 13% अराउंड, 25% के लगभग। अपनी कैपिटल के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कभी भी बुक कर सकते हैं, 30% के लगभग देखिए हो गया है, 31%, 32-24, अभी भी 30% के लगभग, क्योंकि नवंबर और दिसंबर बहुत बढ़िया मूव दिया था तो उसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। देखिए 28%, 30%, 18% के लगभग प्रॉफिट चल ही रहा है, 40% दिसंबर में बहुत बढ़िया मूव था, देखिए 54%,
42%, 48%, 52%, 65%। अभी आपने देखा 65% तक प्रॉफिट ये दिया था, अभी 56 चल रहा है, 59, 58 और ये हमारा एक्सपायरी है 28 का, अभी भी 40% लगभग प्रॉफिट चल ही रहा है। देखते हैं एक्सपायरी तक ये दिसंबर में भी कितना दिया था, 57%, 61%, 57, 62 और ये हमारा 64। मार्केट देखिए, दिसंबर का मार्केट एक्सपायर हो गया और ये 60% तक भी प्रॉफिट दिया है। तो इसको जैसे डायरेक्शनल था तो वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब इसको बनाते हैं जनवरी में, जो कि जनवरी में मार्केट ठीक नहीं था, वहां पे मैं आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है वो करके दिखाते हैं। 28 की एक्सपायरी खत्म होगी तो नेक्स्ट मंथ की सीधे 29 को हम ले लेंगे। टाइम फ्रेम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा फ्यूचर यहाँ पे है, फ्यूचर को ऐड कर लेते हैं, बाय रहेगा तो यहाँ से 21,900 है। के आसपास नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा कम ज्यादा ले लेंगे, ये पहले तो इसको 25 जनवरी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा लॉस दिखा रहा है मैक्सिमम लॉस कितना है, 5,000 के समथिंग, और यहाँ पे देखिए आपको प्रीमियम नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो अभी अभी क्या करना है, देखिए एडजस्टमेंट आपको भी, जैसे आपको डर लगता है कि नहीं हमको तो ये 5,000 का हमको लॉस लेना ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपने 22,500 का जो पुट आपने बाय किया है उससे 100 पॉइंट ऊपर का 2 लॉट कॉल को सेल करना है। ठीक है, ये 500 600 यहाँ पे सेल कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2 लॉट, इसको कर देते हैं एक्सपायरी 25 जनवरी का। ठीक है, अभी देखिए हमारा ट्रेड ऐसा बन गया। अब मार्केट कितना भी गिर जाएगा, ठीक है मार्केट कितना भी गिर जाएगा, आपको अराउंड 2,000-2,600 के लगभग प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, और ऊपर जाएगा तो इस एरिया तक आप बुक करके निकल जाएंगे अपना टारगेट लेके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें आपको 85% तक है, तो इसमें आपका जो मार्जिन है, मार्जिन देखिए यहाँ पे बढ़ जाएगा लगभग 1,40,000 के लगभग मार्जिन इसमें लगेगा। तो इस फ्यूचर को हेज करने के लिए मेरा व्यू यही था कि अगर आपको व्यू पता है तो डायरेक्शनल आप सीधे से पुट बाय करके उसको प्ले कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है, आप थोड़े वीक हो, मार्केट से अनजान हो, नहीं जानते, तो आप उस कंडीशन में इस तरह से आप इसको हेज कर सकते हैं और इस कंडीशन में आपको मार्केट में लॉस से बच सकते हैं। तो अभी आप, मैं इसको थोड़ा सा ऑटो प्ले कर देता हूं और दिखाता हूं आपको एंड ऑफ मंथ कैसे काम किया है। देखिए अभी प्रॉफिट में ही चल रहा है, लगभग 1% के लगभग प्रॉफिट दे रहा है अभी ये, अभी भी 1% से ऊपर है, 1.5% के लगभग दे रहा है, लगभग 1.2%, 1.7,
2% के लगभग अभी प्रॉफिट दे रहा है, 2.1%, 2.3%, 2.2 ही है अभी। देखिए अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, 2.5% के लगभग प्रॉफिट अभी चल रहा है, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 है देखिए यहाँ पे। अभी भी 2.5% के ऊपर प्रॉफिट चल रहा है और एक्सपायरी लगभग 18 जनवरी, 25 जनवरी की है। अभी मैं इसको विदाउट एडजस्टमेंट के भी प्ले करके दिखाऊंगा जनवरी का मंथ कि क्या हुआ होगा, अगर विदाउट हेज का अगर मैं डायरेक्शनल कॉल किया रहता तो क्या हुआ होता। अभी देखिए 2.5% से ऊपर का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन इसमें आपका जो प्रॉफिट है ना थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन लॉस नहीं होगा। देखिए 3% के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 3%, 2.5, 2.7%, 3.3% का लगभग प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोज हो गया 25 जनवरी का, और 25 जनवरी का मार्केट क्लोज हो गया और हमको प्रॉफिट कितना मिला, 2.8%। इसमें क्या है कि आपका लॉस की संभावना बहुत कम हो जाती है और प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार विदाउट एडजस्टमेंट का भी आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके साथ क्या हुआ होता अगर विदाउट एडजस्टमेंट इसी स्ट्रेटजी को हम लोग किए होते तो, डायरेक्शनल जैसे कि मैं कर रहा था। तो पहले तो 1 जनवरी को एक फ्यूचर ऐड कर लिया हमने, इसको कर लिया बाय, और यहाँ से 700 पॉइंट दूर का, चलिए 700 नहीं मिल रहा तो 650 वाला ही ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं और इसको करते हैं 25 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 3500 के लगभग दिखा रहा है। अभी मैं इसको ऑटो प्ले कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मार्जिन तो कम लग रहा है लेकिन देखिए। लॉस चल रहा है देखिए, 1500 का लॉस, 2.5% के लगभग लॉस चलने लगा अभी, 3% के लगभग लॉस दे रहा है अभी, 2.7%, 3.2%, 3% के लगभग लॉस दे ही रहा है। मार्केट जाएगा तो मतलब जो लॉस है इतना ही लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा। जनवरी मंथ को मैंने एडजस्टमेंट करके आपको दिखाया था, जिसको डर लगता है कि नहीं तो एडजस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट आपका लॉक हो जाता है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी देखिए लगभग 4% के लगभग प्रॉफिट को सॉरी लॉस चल रहा है, 5% के लगभग लॉस चल रहा है। अभी भी देखिए लॉस ही चल रहा है, जनवरी पूरा मंथ लॉस ही लगता देता रहे। अभी भी 2% से ऊपर का लॉस, आप लोग खुद से पहले तो बैक टेस्ट करिएगा, थोड़ा सा उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं इससे मैं प्रॉफिट बना सकता हूं, तो फिर खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर करिएगा। ऐसा नहीं है कि देख के जंप लगा दीजिएगा, लेकिन हाँ जो लोग
केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो उनसे तो लाख दर्जे बढ़िया है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस होने से अच्छा है कि हम छोटा लॉस करेंगे और मार्केट से सीख सकते हैं। अभी देखिए मार्केट एक्सपायरी होने वाली है, देखते हैं कितना लॉस होता है। चलिए मार्केट एक्सपायरी हो गया, ठीक है, और मार्केट हमारा एक्सपायरी हो गया और लोग बोलते हैं ना कि अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके लिए एक उदाहरण है। देख लीजिए मैक्सिमम लॉस था 3,900 लगभग, और आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ कितना हुआ एक्सपायरी के दिन 3,532, यानी कि इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। मार्केट कहीं भी 2,000 पॉइंट भी गिर जाएगा तब भी इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। आपने देखा कि कैसे इसको एडजस्टमेंट करते हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद आपको 3.5% के लगभग जनवरी में प्रॉफिट दिया था, और देखिए विदाउट एडजस्टमेंट का लगभग 4% के ऊपर आपको जनवरी में इसने लॉस दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।